होता था इसमें, ये ऊपर तक बहता ही, इसलिए उसका ऊपर यहाँ से बहता ही। सो हे गाइस, फिर से स्वागत है आप सभी लोग का हमारे एक और नए इंटरेस्टिंग व्लॉग में। आज के इस व्लॉग में हम आए आना सागर बारादरी, ठीक है। सो आप में से बहुत लोग हैं अपने सब्सक्राइबर भी जो बाहर से होंगे, ठीक है। सो अगर आप अजमेर घूमने आने चाहते हो तो गाइस इस जगह घूमने आना, क्योंकि बहुत ही पुरानी और बहुत ही फेमस जगह, ठीक है। इस जगह का इतिहास वगैरह सब कुछ इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, तो इस वीडियो को एंड तक देखना। और हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अपने भाई का नाम भी जान लीजिए। मेरा नाम है और आप देख रहे हैं अपने भाई का चैनल। तो चलिए गाइस, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइज अगर आप भी इस जगह घूमना आना चाहते हो तो आपको कुछ इस तरीके का ये 25 रुपये का टिकट मिलेगा। तो गाइज ये टिकट आपको ख़रीदना पड़ेगा, यहाँ से बाहर काउंटर है इधर से जाके। तो टिकट लेने के बाद आप सीधा अंदर आ सकते हो और आप यहाँ का मज़ा ले सकते हैं। और हाँ गाइज, अगर यहाँ पे आते हो तो सबसे पहले आप इन चीज़ को देखना गाइज, आपको मैं जूम करके दिखाता हूँ। तो गाइज ये देख सकते हैं आप, ये जितने भी देख रहे हो ये सब चमगादड़ है, इस पेड़ पे, उस पेड़ पे, इन पे चमगादड़ है। तो गाइज यहाँ की खूबसूरती बनाते हैं, ठीक है। तुमको शायद तक आवाज़ भी आ रही होगी इनकी, तो बहुत ही अच्छी चीज़ है गाइज ये भी, क्योंकि अब ये भी पक्षी है यार, इनको भी मतलब वातावरण में रहने का हक है। हमारे मतलब आपको मत सिखा। तो गाइज ये भाई भी अपने साथ घूमने आए थे, ठीक है। ये अपना हिमांशु, विशु, पंकज, तो तीनों अपने भाई है, ठीक है। अपने पड़ोस में भी रहते हैं और कुछ कुछ अपने दूर रहते हैं, मगर भाई है, स्कूल फ्रेंड्स है। तो ये भी मज़े लेने आए। और हाँ गाइस, आप लोग जो ये झील देख रहे हैं, आनंद सागर के नाम से पूरे विश्व प्रसिद्ध है। इस झील का निर्माण आनंद जी, जो कि पृथ्वीराज चौहान जी के दादाजी थे, जो यहाँ के राजा थे, तो उन्होंने इस झील का निर्माण कराया था सन 1135 से 1150 ईस्वी के बीच में। और हाँ गाइस, शाहजहाँ ने भी यहाँ पे 12 दरबार बनवाए थे, जो कि बारादरी के नाम से पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। यहाँ पे कई राजा आए थे गाइस, और कई राजाओं ने यहाँ पे कई कई चीज़ें बहुत ही सुंदर, बहुत ही विशाल, अच्छी अच्छी चीज़ें बनाई हैं, तो वो भी मैं आपको आगे इस वीडियो में दिखाता हूँ। तो गाइस आप सामने भी देख सकते हो, यहाँ पे बजरंगगढ़ जाग पे हमने पिछली वाली वीडियो शूट की थी, तो ये भी लोकेशन बहुत अच्छी है, यहाँ भी आप आ सकते हो। बाकी आप नज़ारा देख सकते हो गाइस, कह रहा हूँ आपको, यहाँ आओगे आप अजमेर घूमने और इस जगह आओगे तो आपको पैसा वसूल है पूरा, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्राचीन जगह है और काफ़ी ज़्यादा इतिहास जुड़ा हुआ है इन चीज़ों से भी हमारा। और इस जो ये दिख रहा है गाइस आपको, ये जो आनंद सागर है, इसके अंदर लाखों हज़ारों मछलियाँ है गाइस, बहुत बड़ी बड़ी। अभी तो हमारे पास दाना नहीं है, इसलिए हम नहीं तो अगर दाना डालते ही सारी ऊपर आती है। और अभी तो आपको एक और चीज़ बता सकता हूँ कि यहाँ पे मतलब जो गेट है आनंद सागर का, वो जो चद्दर है, वो चद्दर खोली हुई है, ये आप देख सकते हो, नाला है, तो आपको आगे जाके दिखाता हूँ मैं।
सो गाइस आप लोग देख सकते हो कि ये जो है ये कचरा भी है, यहाँ पे कचरा जमा हो जाता है क्योंकि लोग बाग है, सुधरते तो है नहीं, वो कचरा तो फेंकते ही है। तो ये देखिए आप, ये जो गेट है हमारे, ये गेट खोल रखे अभी, आवाज़ बहुत तेज़ है गाइस इसकी क्योंकि पानी है, पानी बहता है तो आवाज़ तो करता ही है। और ये पूरा नाला है हमारा, पूरे नाले में जाता है पानी। तो गाइज आई होप आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, कमेंट करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और ऐसी इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो आगे देखना चाहते तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। अब मिलते हैं आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।